One page is a penny. Huh? One page is a penny. One page is a penny, बस one page मतलब क्या है? हम छाप रहे हैं क्या दूसरे से? लेक्चर देख के किए हैं, सही बोल रही है, पक्का? एक पेज कौन सा लेक्चर? छोटा था, एट नंबर, अजय कंप्लीट कर रहा है। इसका एट लेक्चर छोटा है, वो बैठ सकते हैं, वहां जाके कंप्लीट कर लेते हैं। सेवन लेक्चर पे जिसके कंप्लीट है बैठ सकते हैं, सेवन लेक्चर जिसके कंप्लीट है। वो सिक्स का हो चुका है, दो लेक्चर बचे हैं। आज कर लोगे पक्का? कर लो क्या? चलो बच्चा पढ़ते हैं। ये केमिकल में कुछ बताओ मेरे को, कोई तकलीफ है? बोलो, केमिकल में डाउट लगे किसी को? Which
इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। एग्जांपल के जैसे मतलब जो सब्सटेंस आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, आपने केमिकल बॉडी में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो कंटेन करता है वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जांपल जैसे NaCl, H2O, HCl, सारे सारे NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बोलिए, आयनिक बॉन्ड बराबर, H2O के बीच में कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें पोलैरिटी रहती है। ये समझ में आपने पढ़ा से पढ़ा होगा ना, ये उसी का समझ में आई बात। खैर वो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमारा फिजिकल होता है ठीक है, तो ये मेन बेसिक चीज समझ में आई चाहिए। और सेकंड सब्सटेंस जो होता है वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, ये पहला सब्सटेंस और सेकंड सब्सटेंस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा वो क्या होता है पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, व्हिच डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयन ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो सब्सटेंस नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे बेस्ट एग्जांपल यूरिया ठीक है, ग्लूकोज ठीक है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज हुआ ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल मतलब आप से गांव वगैरह में जाते हो तो देखते हो यहाँ शहर में तो अर्थिंग का बहुत प्रॉब्लम है, गांव में अर्थिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, देखो वो साइड में मकान के बाहर में टोकरी में रहते हैं अर्थिंग, उसमें नमक वाला पानी डाला जाता है राइट, चीनी वाला पानी क्यों नहीं डालते हैं, नमक वाले पानी क्यों डालते हैं, बिकॉज सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट। NaCl क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएट ऑफ आयन है, चीनी क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता बेटा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं सॉल्ट वाटर। समझ में आई बात सबको आया ना, तो ये चीजें समझ में आई आपको इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सबको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया पक्की बात आया ना ठीक है। चलो अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। हालांकि ये हम तो पढ़ेंगे सॉल्यूशन में पढ़ेंगे इनके प्रॉपर्टीज वगैरह अभी नहीं ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम दो जगह पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा जो मैंने आपको बताया था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड एज ठीक है, दो तरीके से इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड एज पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एस सी लिखता हूँ ठीक है, एस सी को फॉर्म में लिखा जाता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका अल्फा की वैल्यू क्या हो 1 या 100% डिसोसिएशन, जो सब्सटेंस डिसोसिएट होता है उसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, सबको समझ में आया, लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर 100% आयनाइज्ड, व्हिच आर 100% आयनाइज्ड या सब और अब ऐसे भी लिख दो सब्सटेंस होस अल्फा इक्वल टू, अब बेसिकली इसका मतलब क्या इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है क्या, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, सोचो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम होगा, सोचो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए अनडिसोसिएटेड पार्टिकल होना चाहिए और
डिसोसिएटेड पार्ट जब पूरा पार्ट डिसोसिएट हो गया तो आई थिंक बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मान अगर एसी कोई मेरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो डायरेक्ट इसमें डिसोसिएट हो जाएगा ए प्लस एक्वस और सी माइनस एक्वस कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। आपके पास को मतलब t इक्वल टू 0 पे अगर आपने सी लिया तब ये 0 0 था और t इक्वल टू t समय पे ये क्या हो जाएगा 0 ये प्लस सी और सी हो जाएगा। आई बात समझ में क्योंकि इनका क्योंकि देखो यहां पे आप क्या करते c माइनस c अल्फा अल्फा कितना हो गया मेरा 1 तो c माइनस c c अल्फा c क्योंकि अल्फा तो 1 है और c अल्फा क्योंकि अल्फा 1 है। समझ में आया ना पढ़ना सबको अच्छे से समझ में आया ये पॉइंट में किसी को डाउट है। अब कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो बेसिकली याद रखना जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे के सारे क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से तो पूरे केमिस्ट्री में सात ही और एसिड्स क्या मिले स्ट्रॉन्ग है जैसे HClO H2SO4 HNO3 HCl HBr HI यही ऐसे स्ट्रॉन्ग आई बात समझ में आई बात समझ। इसके अलावा बाकी सारे एसिड्स क्या होते हैं वीक होते हैं। समझ में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स के सारे के सारे क्या है आई बात समझ सबको स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से ग्रुप वन ग्रुप वन में कौन कौन सा आता है हेलिना के नाम से परिया है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम और हेलिना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे सारे क्या होता है ग्लोबल ग्रुप में क्या था बेटा मांगे कर इसको करवा दो है ना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंडियम सारे सारे क्या होते हैं इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं स्ट्रांग बेस होते हैं। एक बार समझ में जैसे NaCl ग्रुप वन का एक बार चार्ज ले रहा है सॉरी NaOH KOH ठीक है RbOH CsOH ठीक है COOH twice ठीक है BROH twice ठीक है और BOH twice आई बात समझ में सबको आया ना। अब इस पूरे आने के लिए भी में जो आपका मोस्ट कॉमन एसिड होगा मेंशन में सब होगा एसिड होगा और आपको कभी कभी ऐसे नहीं होगा और मोस्ट कॉमन एसिड आपके ये मोस्ट कॉमन बेस भी आपका कौन सा होगा एनिवर्ट होगा यही पूरे चैप्टर में यही दो ऐसे यही दो बेन। अब तुम याद हो केमिकल के लिए देखो पूरा केमिकल के लिए वो सात रिएक्शन में घूमता है SO3 वाला NH3 वाला HI वाला PCl5 वाला इसके अलावा तुम पूरे पूरे अलग से रिएक्शन दिखा क्या वो एक आध थोड़ा बस वो CH3 से डबल है थोड़ा जो रिएक्शन बस वो एक बाकी पूरा केमिकल उसी में घूमता है ऐसे पूरा एनिमेट ही नहीं में घूमेगा बस इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। हमारे भाई पास सबको हाय ना एक और होता है सॉल्ट सारे सॉल्ट क्या होते हैं मेरे सारे सॉल्ट क्या होते हैं मेरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जैसा पहला एग्जांपल हो जाएगा NaCl ठीक है दूसरा एग्जांपल हो जाएगा CH3COOH ठीक है तीसरा एग्जांपल हो जाएगा NH4Cl का एंड फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा CH3COOH। अब देखो सॉल्ट के बहुत टाइप के होते हैं NaCl NaCl कहाँ से मिला होगा NaOH से Na आया होगा और Cl से क्या आया होगा Cl तो दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट है ये सॉल्ट को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट CH3COOH भी कैसे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड पे लिख रहा है CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड है ना तो कौन सा एसिड होगा ये बोलिए वीक एसिड होगा और Na कहाँ से मिला होगा मुझे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का ही सोर्स है Na का ही सोर्स है तो ये क्या होगा ये कौन सा सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है भाई का समझ में ये कौन सा है ये कहाँ से आया होगा NH4OH अमोनियम। देखो इस बार बस यही स्ट्रॉन्ग बेस होता है बाकी ऑर्गेनिक बेस मतलब कौन सा बोलते हैं अमोनिया एंड डेरिवेटिव वीक बेस होता है क्या होता है वीक बेस भाई का समझ में पूरे जगह आपको बस यही वीक बेस मिलेगा पूरे एलिमेंट कुल में से लाओ कोई आपको बेस नहीं मिलेगा मेरे आपको नहीं बस समझे तो ये कहाँ से मिला मुझे वीक बेस से सीएल कहाँ से आया जल्दी बताओ सेल से आया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट हो गया ये कौन सा एसिड है वीक एसिड है और
ये कौन सा बेस है? वीक बेस नहीं, माइनस 4 हो गया ना, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का हम पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपके लिए, बट यहां पे थोड़ा आ रहा है इसका कंप्लीट कर सकते हैं आज समझ में। तो ये अब एसिड चाहे कितना ही वीक हो, बेस कितना ही वीक हो, उसका सॉल्ट हमेशा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि सॉल्ट नेचर ही वही होता है जो हमेशा स्ट्रांग बनता है। कोई भी सॉल्ट है, चाहे वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रांग एसिड का सॉल्ट है, लिखा जब भी लिखा हो सेम तरफ का हो गया ना
हेलो
मैंने हैरा से नहीं देखी कुछ नहीं मोबाइल रेंज से टूटती है अब फोन में देख आपसे जो मजा में लगते मोबाइल अरे करने चल और बाद में
क्या होता है मेरे वीक प्लेस होता है। आई बात समझ में आया ना? पक्की बात। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं डेरिवेटिव में क्या हो सकता है, मैंने डेरिवेटिव में जैसे NH3 हुआ क्रिस्टल, NH2 हुआ NH2, NH2 हुआ इसको हाइड्रोजन को बोलते हैं। सारा सारा क्या होता है मेरे वीक प्लेस। आई बात समझ में? पक्की बात। किसी को डाउट है क्या? डाउट तो कुछ पूछ सकता है। सबको समझ में आया? अच्छा समझ में आया? ठीक है। और इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं ठीक है, तो ये मेरा बेसिक चीज हुआ सब्सट्रेट के बारे में। ए फर्नीचर इधर क्या बातें कर रहा क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको तो बातें कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऐसे बैठा हूँ पीछे से ऐसे। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, जैसे ये चीज आपको समझ आते हैं ये इतने नहीं बोला अभी मैंने, जब बोलूंगा जब जरा बोर्ड खत्म होगा तब लिखना चालू करना। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये बेसिक्स। अब हमारा जो टॉपिक चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है एसिड बेस। ठीक है, तो ये एसिड बेस स्टोरी क्या होती है? देखो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टोरी दी एसिड्स के बारे में कि भाई कौन सा सब्सटेंस उनके अकॉर्डिंग एसिड्स माना जाता है और कौन सा सब्सटेंस उनके अकॉर्डिंग बेस माना जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट का अपना अपना मानना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम नालायक हो मान लो, तो ये मेरा अकॉर्डिंग है। हो सकता है किसी के साथ किसी के अकॉर्डिंग तुम महानायक हो गए, किसी का अकॉर्डिंग तुम सभी बच्चे भी हो गए। ठीक है, तो ये अपना अपना परसेप्शन है। तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना परसेप्शन दिया भैया ऐसे उनके अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऐसे बेस थ्योरी में हम तीन थ्योरी पढ़ते हैं। पहला होता है आर्किमिडीज। ये एक ऐसा साइंटिस्ट है ना तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आधा फिजिकल तो इसे नहीं कर दिया, आधी जिंदगी तुम्हारे यही बर्बाद करेगा। ठीक है, दूसरा ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ठीक है, थर्ड है लुईस, लुईस एसिड बेस। ठीक है, हालांकि सबसे लेटेस्ट स्टोरी लुईस का ही है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, फिलहाल एक बार और लुईस से। ठीक है, तो सबका अपना अपना मानना था। तो पहला स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा है आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज एसिड बेस, आरएनएस क्या एसिड बेस्ड थ्योरी। आरएनएस का मानना ये था कि भैया दुनिया में कोई भी सब्सटेंस, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस पानी में डुबाने पर अगर वो एच प्लस देता है तो एसिड है और वो एच माइनस देता है तो बेस है। क्या समझ में आया कि पानी में डिसॉल्व करने के बाद अगर सब्सटेंस एच प्लस देगा तो एसिड और वो एच माइनस देगा तो बेस। हाँ, ये उसका मानना था। ये किसका मानना था? आर्किमिडीज का। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था भैया एसिड्स की डेफिनेशन? सब्सटेंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स एच प्लस, सो इट इज कॉल्ड एस। क्या बोलेंगे हम इसको? एसिड बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl एक्वस, HCl क्या डिनोट करेगा? पानी में डिसॉल्व होता है HCl, क्या डिनोट करेगा? H प्लस और Cl माइनस। क्या होगा ये मोनो बेसिक नेचर का होगा क्योंकि एक H प्लस दे रहा है, एक H प्लस दे रहा है, तो उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? मोनो बेसिक। नालायक को बेटा उसको पढ़ाए पढ़ा होगा ढंग से, अगर लेक्चर देखा होंगे नीचे मेरे को करड़ा सा बताया मोनो बेसिक डाई बेसिक ट्राई बेसिक। तो मोनो बेसिक होता है बेसिक लोग एग्जाम के तौर पर। ठीक है, और अगर मान लो H2SO4 रहा तो कितने 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 देगा, कितना एच प्लस देगा? ये दो एच प्लस देगा, तो वाइस ऑफ एच प्लस और SO4 2 माइनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड बोलते हैं।
क्या मतलब डायरेसिक एसिड। तो बेसिकली क्या कहते हैं बेसिसिटी, एक टर्म होता है। तो बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ एच प्लस डोनेटेड बाय एन एस। ठीक है, एच प्लस डोनेट करना या ओएच माइनस एसिड करना, बस वाइस वर्सा भी मैं लिखता हूं, कैसा रहेगा वाइस वर्सा। ठीक है, एच प्लस डोनेट करना या ओएच माइनस एसिड करना, यही बात समझ सकते हो। तो यहाँ पर हैं तीन एसिड आते हैं H3PO, H3PO3 और H3PO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको बहुत बार मिलेगा और आपको नॉर्मलिंग में भी डिटेल में पढ़ोगे, हालांकि मुझे लगता है आप भी पढ़ चुके होंगे, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ा बहुत याद होगा केमिकल मॉडल में शायद सिखाया गया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी आपको याद हो तो एक बार देख लो, फिर यहाँ पे चलिए देखो PO4 में यहाँ पे क्या होगा, पी डबल बॉन्ड हो OH 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 H3PO, ये इसका क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, पी डबल बॉन्ड हो सेम रहेगा, एक ऐसे यहाँ आ जाएगा, एक ऐसे यहाँ आ जाएगा, एक ऐसे यहाँ आ जाएगा, H3PO3। ठीक है, पी डबल बॉन्ड हो इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, बोलते हैं क्या बोला जाता है इनको, ऑक्सी एसिड्स बोला जाता है। ऑक्सी एसिड्स का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिला हुआ एसिड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये वीक वीक होते हैं, अभी मैंने आपको देखो लिखा भी था वीक, सारे के सारे क्या होते हैं वीक होते हैं, एक्सेप्ट H2SO4 वो एक स्ट्रांग होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं वीक होते हैं। दूसरी बात, अब इनकी बेसिसिटी कैसे चेक करोगे, इन टाइप के एसिड्स में याद रखना इसमें सिर्फ ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, इससे ऑक्सीजन से, तो क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा इस बॉन्ड में अपने तरफ माइनस खींच लेगा, इसको एच प्लस के फॉर्म में बाहर छोड़ देगा, और मेरा क्या मानना था कि जो एच प्लस डोनेट करेगा वही मेरे लिए एसिड होगा, सारे सारे एसिड है, अब बॉन्ड कितना डोनेट करेगा ये भी देख लेते, कितना डोनेट कर सकता है, कितना डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइमेसी, क्या होगा ये क्या होगा, डाइमेसी, क्या होगा ये, और ये क्या होगा, मोनोमेसी। समझ में सब याद करना, जितने ऑक्सीजन रहेंगे, अब याद करने का तरीका सभी कंफ्यूजन, तो जितना ऑक्सीजन रहेंगे उससे एक कम हाइड्रोजन डोनेट करेगा, एस्टरी प्योर तो में कितना ऑक्सीजन है, दो, तो कितना डोनेट करेगा, एक, H3PO3 में कितना ऑक्सीजन है, तीन, तो कितने डोनेट करेगा, दो, H3PO4 में कितने है, चार, तो कितने डोनेट करेगा, तीन। समझ में याद करने का तरीका, इन केस स्ट्रक्चर भूल जाओ तो समझ में आएगा सबको, अच्छे समझ में आया, और लिखो जल्दी लिखो, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में कितना चाहिए, ठीक है, कपड़े बोलो।
ए मासा अरे मासा एक तरफ का लिखा सबने सबने लिखा आपका जो डाउट है यहाँ तक का टीचर का लोग को क्या आते होते हैं भाई तेरी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है भी के अरे कितनी ठंडी लग रही है तेरे को हमारे तरफ करता तो क्या होता था हमारे यहाँ 9 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर चलता लिखा है क्या होगा उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंस और डिसॉल्विंग इन वाटर इज OH माइनस और एस बेस समझ में आया जैसे NaOH क्या देगा आपको Na प्लस OH माइनस इसको क्या बोलेंगे मोनो एसिडिक बोलेंगे क्या बोलेंगे मोनो एसिडिक ठीक है CaOH टू एस क्या देगा Ca प्लस टू
माइनस ऑफ ओ एच माइनस बराबर ये क्या हो जाएगा डाई एसिडिक। आया समझ में? आया ना? ठीक है, एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ ओ एच माइनस डोमिनेटेड बाय बेस। आया समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। सबको समझ में अच्छे से आया ना? ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, याद रखना नोट, ये नोट फ्यूचर में आपको नोट करना है। ठीक है, इन एक्वस फेज एच प्लस एग्जिस्ट एज एच प्लस एच टू ओ एक्स, एच प्लस को एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो क्या फॉर्मूला होगा? एक्स मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो फॉर्मूला क्या बनेगा एच प्लस का? एच प्लस एच टू ओ, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? एच थ्री ओ प्लस। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ घिरा हुआ तो क्या लिखूंगा मैं? एच प्लस एच टू ओ टू, क्या होगा? चार एच फाइव टू प्लस। अगर मान लो एक्स इक्वल टू थ्री है तो क्या होगा? एच प्लस एच टू ओ थ्री, मंजे सिक्स सेवन एच सेवन ओ थ्री प्लस। तो इस फॉर्म में भी रहेगा तो इसका मतलब वो क्या बात हुआ है? एच प्लस। इसकी बात कर रहा हूँ वो एच प्लस की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। इसका जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में आंसर तो पूछ रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसे H4O2 plus, second option is X, suppose करो, H7O32 plus, third option हो जाएगा आपका H7O3 plus, और fourth option हो जाएगा आपका H5O plus, मतलब ये कौन सा होगा? कौन सा इसमें से हाइड्रोनियम आयन रिप्रेजेंट कर रहा है? C, obvious से बात है, आपको बस चेक करना पड़ेगा वैल्यू डाल के कि कौन सा हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मतलब H+ ही है वो, बस क्या है, बस उसको वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया, इसका मतलब ये है। समझ में आई बात आपको? आया ना? देखो, ऑब्वियस से बात है, आपने सुना होगा परिवर्तन ही संसार का नियम है, सुना ये चीज सुना है? तो जो चीज आ रही है वो परफेक्ट, ऐसा कोई नहीं होगी। बराबर, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, उसके बाद क्या आया? कलर टीवी। कलर टीवी में भी मेंशन होने लगा हाई क्वालिटी पिक्चर की, आना बड़ा टीवी आने लगा, फिर प्लाज्मा एलसीडी टीवी आया, प्लाज्मा आया, फोर के अब फोर के का जमाना, राइट? तो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ? अपग्रेडेशन हुआ। क्या हुआ? अपग्रेडेशन। तो अभी से बात है, क्योंकि ये पहला थ्योरी था तो फिर से बात कर, परफेक्ट तो ये भी नहीं है, परफेक्ट तो ये भी नहीं है। अब इसलिए इसकी क्या लिमिटेशन थी? देखो, लिमिटेशन ऑफ आर्गेनियस, क्या लिमिटेशन थी? अब मान लो मैं रेगिस्तान में, मेरा लैब है ऑलरेडी, पानी का बहुत दिक्कत होता है, अगर बोलूंगा पता ये एक्सीडेंट या प्रेशर तो कैसे बताओ? कैसे कैसे जरूरी थोड़ी ना कि हर सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो। क्या दुनिया में जितने सब्सटेंस सब पानी में डिसॉल्व होते हैं? नहीं, लेकिन जो ये तो है ना भाई, कुछ एसिड बेस या कुछ तो नेचर उनका अपना होगा ना। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो चुकी है? गलत हो चुकी है। और इन्हें से सबसे बड़ा गलत ये था कि ये चीज जो बोला है सो इस मतलब कुछ हद तक सही भी था, पर ये जो बोला कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ये गलत था, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, फिर भी वो ऐसे का और बेस नेचर के होते हैं। ये बात समझ सकते हैं? जैसे पीएच 3 गैस अपने आप में एक एसिड है, जबकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, एचसीएल गैस, ठीक है, सिर्फ गैस है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो क्या वो एसिड नहीं है?
है ना, तो ऐसे बहुत सारे लिमिटेशन थी। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन क्या था, एसिड और बेस करेक्ट का कैरेक्टर define, acid or base character can be defined only in aqueous solution, only in aqueous solution, ठीक है? और second क्या था, it cannot explain acidic character. कौन सा, जैसे HCl गैस हुआ, BnCl गैस हुआ, ठीक है, इनके एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और बेसिक कैरेक्टर किसके नहीं एक्सप्लेन कर पाया, NH3 गैस, ठीक है, जो हुआ, और सॉरी BH3 गैस ही नाम है, बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसी ग्रुप का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सारे बेसिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसका एक स्टेटमेंट था, ठीक है, इसने एसिड्स और बेस को एक ही कैरेक्टर से डिफाइन कर दिया, क्या H प्लस डोनर एसिड और H प्लस एक्सेप्टर बेस। भाई बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया कि भैया H प्लस डोनर क्या हो जाएंगे मेरे लिए, एसिड्स, और H प्लस एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे मेरे लिए, बेस। एक्स प्लस डोनर, एक्स प्लस एक्सेप्टर, एसिड और बेस। यहाँ तक सबको समझ में आए? एग्जांपल से समझो, सपोज करो NH3 है मेरे पास और ये है HCl, NH3 ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक एक्स प्लस इसको देगा, मान दो इस बात को, हाँ या ना, तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, NH3 NH4 CL बनाएगा, क्या बनाएगा, NH4 CL, सबको समझ में आया, पक्की बात, पक्की बात, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+ और Cl-, ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+ Cl, NH4+ Cl-, ठीक है, क्योंकि H+ ये दे रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, HCl, ये आपके लिए क्या हो गया, एसिड हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए, बेस हो गया, ऐसा मैं सबको, ठीक है, चलिए बोलो जल्दी लिखो, 5 मिनट्स का टाइम है।
क्या हुआ
मान तो इसका तो ठीक है सपोज करो HNO3 HNO3 में क्या हुआ एक H+ उसने क्या किया डोनेट कर दिया तो यहां पे क्या बनेगा NO3- तो ये ऐसे हुआ ये इसका क्या हुआ ठीक है फेस H2SO4 की बात करो मैं H2SO4 क्या देगा ट्वाइस ऑफ H+ और SO4 अच्छा मान लो ऐसे दिया H2SO4 हुआ पहले HSO4 माइनस और SO4 फिर मतलब इन दोनों में से कंजुगेट बेस कौन सा है SO4 2 माइनस अभी मैंने बोला एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए ये इसका कंजुगेट बेस होगा देखो यहाँ पे दो एच यहाँ पे एक एच मतलब एक एच डोनेट कर दिया हमारा उसने तभी तो क्या बना एच एस फोर माइनस बना ये इसका क्या हुआ अब ये एच एक और एच प्लस डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा एच एस फोर टू माइनस ये ऐसे क्यों हुआ तो ये इसका क्या हुआ ठीक है तो दोनों में एक एच प्लस का डिफरेंस सिर्फ एक एच प्लस का डिफरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं समझ में आया सबको आया ना पक्की बात अच्छे से समझ में आया ठीक है अब बात करते हैं कंजुगेट एसिड की अच्छा बेस अगर कंजुगेट बेस बनता है एक एच प्लस रिमूव करने पर तो एसिड कैसे बनेगा एक एच प्लस एक्सेप्ट करने पर गुड समझ में दिस पीस इज फॉर्म by after addition of 1H plus ion ठीक है एक H plus ion accept करने पर जो बनता है जैसे suppose करो NS3 base है क्या है अगर मैंने इसमें plus H plus बोला एक H plus उसने क्या किया accept किया तो ये क्या बनेगा NH4 plus तो ये क्या हो जाएगा conjugate acid समझ में आ सबको आया ना ठीक है तो सपोज करो C6H5 ठीक है C6H5 NH2 तो यहां पे क्या होगा अगर एक H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा C6H5 NH3 NH2 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कंजुगेट एसिड हो जाएगा आई बात समझ में अब मोस्ट इंपोर्टेंट नोट यहां पे What is the most important now? Conjugate acid base pair are opposite in nature. ये HCl एक H+ donate करने पर Cl- conjugate base बनाता था क्योंकि HCl क्या है मेरा strong acid है HCl क्या है मेरा ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक होगा या स्ट्रांग होगा वीक अभी बोला ना कॉन्जुगेट बेस पेयर आर ऑपोजिट इन नेचर तो अगर इसका एसिड स्ट्रांग है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा वीक ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा क्या होगा वीक कॉन्जुगेट बेस होगा आई बात समझ में सपोज करो CH3COH एक H+ डोनेट किया तो क्या देगा CH3COH क्योंकि ये कौन सा एसिड है वीक है या स्ट्रांग है वीक अभी मतलब ऑर्गेनिक एसिड से क्या होता है वीक एसिड तो ये क्या होगा स्ट्रांग कंजुगेट बेस होगा क्या होगा स्ट्रांग कंजुगेट बेस आई समझ में H2SO4 एक एच प्लस डोनेट किया और क्या बनेगा H2SO4 माइनस ये कौन सा एसिड है स्ट्रांग एसिड है तो ये कंजुगेट बेस कैसा होगा वीक कंजुगेट बेस होगा क्या होगा वीक कंजुगेट बेस समझ में आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे यार हमेशा कंजुगेट एसिड का नेचर या कंजुगेट बेस का नेचर सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है समझ में बेसिकली कहने का मतलब क्या होगा उसका एक्शन सामने वाले के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा और नहीं पर तो सामने वाला स्ट्रांग है तो ये क्या होगा वीक और सामने वाला वीक है तो क्या होगा समझ में इससे को कोई दिक्कत पक्की बात Thank you.
Gracias.